हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राउटर को कैसे कन्फिगर कीजिएगा। जियो वाईफाई से यूज कीजिए या फिर नॉर्मल, अगर कोई वाईफाई ऑलरेडी वहां पर राउटर चल रहा है तो उससे कैसे कन्फिगर करेंगे विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप। लैपटॉप की मदद से कैसे आप इसको कन्फिगर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब एक बार कन्फिगर कर लेंगे तो फिर DVR या NVR को ऑनलाइन कैसे करेंगे। ये मैं राउटर को रिपीटर बना के यूज कर रहा हूँ ताकि आपका जो नेटवर्क की जो प्रॉब्लम आती है डिसकंटिन्यूटी की, जो कभी पकड़ता है कभी छोड़ देता है, ठीक है ना, तो जब रिपीटर बना के करते हैं आप तो वो आपको सिग्नल्स को जो है स्टेबल रखता है वो। तो मैंने सबसे पहले किया क्या है कि ये मैंने राउटर लिया है, ये चीजें, ये देखिए राउटर है, एक लैन केबल हमने कोई भी पोर्ट पे, ये जो येलो वाला पोर्ट है आप लोग भी ऐसे लगाइएगा, ये वैन पर छोड़ करके, और उसका सीधे आप इससे कनेक्शन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद करना क्या है आपको कि इसका IP पता करना है, आईबॉल का। तो आईबॉल को IP पता करने के लिए जो भी राउटर होगा, अभी मैंने आईबॉल का लिया है, आप किसी भी कंपनी का राउटर इस सिस्टम से, इस मतलब टेक्निक से आप कंफिगर कर सकते हैं। करना क्या होगा आपको कि ये राउटर है आपका, ठीक है, मैंने आईबॉल का लिया है, आपको मॉडल ऑलरेडी दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो आपका IP एड्रेस है गेटवे, ये IP एड्रेस इसका राउटर का, ये आपको IP एड्रेस, एग्जांपल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 192.168.1.1, आपको यहां पर भी आपको सेम ब्राउजर पे ओपन कीजिए, गूगल क्रोम पे खोलिए या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खोलिए, मैं यूज कर रहा हूँ क्रोम, ये खुल गया आपका 192 जैसा वहां पे था, 1.1 आ गया, ठीक है। ऐसा पेज आपका खुल जाएगा आईबॉल का, आईबॉल का तो ऐसा खुलेगा, टेंडा का होगा तो कुछ और खुलेगा, लेकिन सब कुछ क्या स्टार्टिंग पर्पज से यही आपका रहेगा। फिर इसका बाय डिफॉल्ट एडमिन जो हो तो पासवर्ड होता है वो एडमिन है, तो एडमिन है। जैसा आप नया खरीदे हैं एज इट इज, मैं नया खरीदा हूं, ठीक है। ये आपका डब्बा है, ये मैं जस्ट निकाल करके ये चीजें मैं दिखा रहा हूं आपको, इस डब्बे का मॉडल नंबर, ये मॉडल नंबर यहाँ पे मेंशन है, ये चीजें, ये मॉडल नंबर मेंशन है, तो ये चीजें है आपका, ठीक है। ये चीज मैंने लगा रखा, फिर मैंने इसे लॉग इन किया, ठीक है। तो आपको ऐसा पेज खुलेगा आपके सामने, ये पेजेस आप जो देख रहे हैं, ये पेजेस आपके सामने ऐसा खुलेगा आईबॉल का। आपको करना क्या होगा, कभी कभी प्रॉब्लम क्या आता है कि ये जो आप पास, ये जो आईपी आप डाले हैं, ये चीजें 192.168.1.1, कभी कभी ये नहीं खुलता है। तो करना क्या होगा आपको कि आपका जो सिस्टम है, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उसका आईपी चेक करना पड़ेगा, तो सेम सीरीज में होना चाहिए, 192.168.1.2 ले लीजिए या 3 ले लीजिए या 4 ले लीजिए या 5 ले लीजिए, कुछ भी आपको इसी सीरीज में बनाना पड़ेगा आपको। तो एग्जांपल के तौर पे ये शॉर्टकट कमांड मैं यूज कर रहा हूँ, Windows+R, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, ये ऐसा बॉक्स आ जाएगा आपके सामने, यहाँ लिखिएगा CMD, ठीक है, ओके करेंगे, फिर लिखेंगे IPCONFIG, ये मैं लिखा IP config, ठीक है, सारा स्मॉल में होगा, और फिर आप प्रेस करेंगे इंटर, तो ये मुझे दिख गया आपका, या IPv4 एड्रेस हमारे सिस्टम का क्या है, 192.168.1.201 लिया है, दिया हमने, और 255.255.0 ये चीजें आपको सेम सीरीज में, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये देखिए 1.201 है और यहाँ पे 1.1 है, तो 1. ये सारे सेम सीरीज में है, ठीक है। तो इससे आपको इजी हो जाता है समझने में। अब आप करना क्या है आपको कि जैसे ये पेज खुलेगा आपको, ठीक है, ये डायनेमिक आईपी पे जाएंगे आप, तीन ऑप्शन होगा आपके पास, अगर आपके पास DSL राउटर अगर आपका है तो वो यूजर आईडी पासवर्ड देता है नेटवर्क प्रोवाइडर, ठीक है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आपका, या फिर आपके पास स्टैटिक है तो आप स्टैटिक में टिक लगाएंगे तो ऐसा आपके पास आ जाएगा, डायनेमिक नहीं आपके पास कुछ भी है, जियो का है तो आप डायनेमिक यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको बनाना है पासवर्ड, ऐसा जब से क्लिक करेंगे तो ऐसा आ जाएगा आपके पास, मैं इसका पासवर्ड बनाता हूँ admin@123, ये मैंने बनाया और इसे सेव कर देना है आपको, ठीक है, ये ऑलरेडी सेव लिख दिया, टिक मार्क हो गया, ये ऐसा आपके सामने फिर से ऑटोमेटिक पेजेस खुल गया। फिर करना क्या है आपको कि आप जाएंगे डिजाइन डायग्नोस्टिक्स टूल्स में, ये क्यों जाएंगे आप यहाँ पे,
कभी कभी राउटर का जो जियो वाला होता है या कोई नेटवर्क प्रोवाइडर होता है वो भी आपको आईपी 192.168.1.1 में ही दे देता है आपको। तो उससे क्या होगा कि आईपी की कॉलिजन हो जाता है, तो ये डिवाइसेस कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे खोलना किससे है, इसको खोलना है या जहाँ से नेटवर्क प्रोवाइडर है वो उसके खोलना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप मेंटेनेंस में जाएंगे आप, ठीक है, और ये जो लैन आईपी है, ठीक है, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप ये 1.1 है, ठीक है। मैं करना कर कह रहा हूँ कि इस जो आपका डिवाइसेस है जो 1.1 इसका आईपी था, मैं इसका परमानेंट आईपी चेंज कर दे रहा हूँ ताकि भविष्य में कभी भी कोलाइड ना हो, आईपी के कोलिजन ना हो, ठीक है। तो इसे मैं 1.100 बना दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको आप सेव कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, सेविंग लिख रहा है, सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है। अब ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पहले था 1.1 था, ये ऑटोमेटिक 1.100 हो गया है। तो आप याद रखने के पर्पज से मशीन पे क्या करेंगे कि यहाँ पर जो आपका आईपी है यहाँ पर या मशीन पे इसका आईपी लिख देंगे कि 192.168.1.100, ताकि भविष्य में आप 1.1 खोलेगा तो इसका आईपी नहीं खुलेगा, आपका ये पेजेस 1.100 पे ही पेज खुलेगा आपका, ठीक है। आपको पता है इसका पासवर्ड हमने एडमिन था इसका बाय डिफॉल्ट, तो ये एडमिन, ठीक है। एक मिनट, दोबारा से जब लॉगिन किया हमने तो ऑटोमेटिक ये आ गया। अब ये देखिए यहाँ आईपी मैंने क्या किया है, वहां पे चेंजेस किया था, 1.1 था, यहाँ पे 1.100 कर दिया, तो 1.100 इसका आपका राउटर का आईपी हो गया, ठीक है। अब आप जाएंगे ऑपरेशन बोर्ड में, ठीक है, ऑपरेशन बोर्ड में जाने के बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है डिसेबल WISP यूनिवर्सल रिपीटर और एक्सेस पॉइंट, हमें यूनिवर्सल रिपीटर बनाना है, ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप इसको आईपी चेंज नहीं करना चाहते हैं राउटर को, तो ये जो मैंने मेंटेनेंस में गया आप यहाँ ना जाएंगे, डायरेक्टली लॉग इन करेंगे और ये जो मैंने बनाया था यहाँ पे ना, यहाँ पे 1.1, यहाँ पे 1.1 ही रहने दीजिएगा और सीधे आप आ जाइएगा ऑपरेशन मोड में, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल रिपीटर पे चले जाइएगा, जैसे ही आप जाइएगा आपके पास जियो का वाईफाई रहेगा या किसी और का वाईफाई रहेगा किसी और कंपनी का, ठीक है। आपने मोबाइल पे करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे जैसे हमारा ये है हमारा वाईफाई, ठीक है, तो हम AIL पटना हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, और हमने फिर यूज करेंगे इसके जो पासवर्ड डालना है, ये हमने पासवर्ड डाल दिया, अब इसे हम सेव करेंगे। ये ऑटोमेटिक फिर से रिस्टार्ट होगा, ये आपका दोबारा से रिस्टार्ट हो गया, इसे लॉगिन करेंगे अब आप। पासवर्ड क्या है, ये देखिए ब्रिज सक्सेसफुली यूनिवर्सलिटी पर कनेक्टेड रिपीटर मोड, ठीक है। अब आपका ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हो गया है, ठीक है। आप इसे चाहते हैं कि आप वाईफाई यूज करना चाहते हैं, ठीक है, वाईफाई तो ऑलरेडी आपने कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब चाहे तो इस लैन केबल को निकाल करके डायरेक्टली आप DVR में लगा दीजिए, NVR में लगा दीजिए, ये भी एक तरह से वाईफाई ही हो गया, ठीक है, वो कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलती है। सो आपको बफरिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती इंटरनेट चलाने में, या फिर आप DVR या NVR पे जो भी आप वाईफाई रिसीवर यूज करते हैं, ठीक है, वो आप लगा करके डायरेक्टली आईवॉल का पासवर्ड आपको पता है जो मैंने आपने बनाएंगे वो चीज़ें आप इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये था प्रोसेस था एक हमारा कि लैपटॉप से DVR को राउटर को DVR से लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ये सारा कुछ प्रोसेस आप खुद कीजिए, एक बार खुद समझिए, वीडियो को देखिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए।